यूक्रेन और रशिया वॉर में पूरा वर्ल्ड थ्री साइड्स में डिवाइडेड है। कुछ नेशंस ऐसे हैं जो यूक्रेन की साइड से हैं, कुछ रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ एब्स्टेन कर रहे हैं दोनों में से किसी भी नेशन को सपोर्ट करने से। इंडिया थर्ड कैटेगरी में है क्योंकि यूएन के दोनों रेजोल्यूशंस में इंडिया ने एब्स्टेन करने का डिसीजन लिया है। ये देख के यूएस बौखला गया है और वो चाहता है कि इंडिया रशिया के अगेंस्ट स्टांस ले, और यही वजह है इंडिया पर प्रेशर डालने के लिए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया के अगेंस्ट काट्सा के अंडर सैंक्शंस इम्पोज करने का विचार किया है। यूएस डिप्लोमेट डोनाल्ड लू ने कहा कि इंडिया ने रशिया से S-400 ट्रायम्फ मिसाइल सिस्टम परचेज किया है, इसीलिए अंडर काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट काट्सा, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इज लुकिंग वेदर टू अप्लाई और वेव सैंक्शंस ऑन इंडिया फॉर इट्स परचेज।